हेलो टू ऑल माय डिवाइन सोल फैमिली। आज जो बातें मैं कहने जा रही हूँ ये बहुत सारे सिस्टर्स के और ब्रदर्स के मन की बात है। एक्चुअली जो मेरे साथ घटित होते रहा है और आज के जो मतलब मेरे माइंड के स्टेट है उसके जो डिफरेंसेस हैं आप ज़रा सुने। और इतने सुखद अनुभव, मतलब सिंपली मतलब कितना आसान था और हम समझ ही नहीं पाए थे कि ये सत्य क्या है। मतलब जैसे हम जानते हैं ना सत चित आनंद, यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ही सिंपल कार्य करना पड़ता है। क्योंकि हम अज्ञानी होते हैं, क्योंकि हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होते हैं, क्योंकि हमें संपूर्ण विश्वास नहीं होते डिवाइन पर, इसलिए हम बहुत देर लगा देते हैं। लेकिन अगर हम सत्य में कोशिश करें ना और बिलीव करें सिस्टम को, सिचुएशन को और सत्य को जानने की कोशिश करें तो बहुत मुश्किल नहीं है, इनफैक्ट बहुत आसान है। तो मैं शुरू करती हूँ उन दिनों से, आज से करीब करीब 5-6 साल पहले की बात कर रही हूँ, जहाँ पे मेरे जो माइंडसेट थे कि चलो अब बहुत हो गया, बहुत काम वाम कर लिया, किसी रिच बिजनेसमैन से या किसी से शादी करते हैं, मस्त एकदम लाइफस्टाइल जीते हैं अच्छे वाले, ठीक है, बड़े बड़े कार में घूमेंगे, बहुत हो गया स्ट्रगल, बहुत हो गया करियर बनाना, अब नहीं करेंगे कुछ भी, ठीक है। और मेरे फ्रेंड सर्कल भी वैसे ही, चलो इधर जाएंगे, पार्टी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, यस हमें भी रिच बिजनेसमैन, रिच किसी आदमी से शादी करना है जिसके पास तो अरबों रुपये हैं, बस यही इसी में हवा में उड़ रहे थे हम। बैठते थे, रेस्टोरेंट में जाते थे, डिस्कस करते थे, कोई प्यार व्यार की बातें नहीं है, बहुत प्यार देख लिया, सब अलग ही होते हैं, कोई रहने वाले नहीं है, इन सबको छोड़ दो और चलो कोई वेल सेटल्ड इंसान के साथ घर बसाते हैं, तो ये माइंडसेट। फिर नंबर टू, करियर चलो कर लिया है, अपने लिए भी बहुत सारे मतलब जमा पूंजी है, ऐसा नहीं है कि परेशानी में जाएंगे, और कुछ भी करेंगे साथ में काम करेंगे, ठीक है, बिंदास जीना है, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, लाइफ के बाद एक दिन मर जाएंगे, ये ठीक था, लेकिन मरने के बाद कहाँ जाएंगे, होता क्या है, ये सब पता नहीं था। तो कभी खुशी कभी गम, मतलब आज अच्छा है, किसी के साथ बहुत अच्छे चल रहे, सब कुछ अच्छा है, दूसरे दिन कुछ न्यूज़ आ गया, कुछ आ गया तो एकदम परेशानी के कारण बन गए, ठीक है, इनसिक्योरिटी के, अच्छा चलो ठीक है सेटल तो हो जाएंगे जो भी है, अच्छा नहीं मिला तो फिर वो कुछ साइकिक प्रॉब्लम्स रहेगा इंसान में, तो ऐसे ऐसे थॉट आना, मतलब उलझा के रख देना होता है ना, वैसा था। फिर कोई कुछ बोल दिए, कोई मेरे खिलाफ गॉसिप किए मुझे सुनने को मिला, या मैंने दो बातें बोल दिया, ठीक है, जज कर दिया किसी को, ब्लेम कर दिया किसी को, ऐसे ऐसे, मतलब ठीक है मैं जानती हूँ मैं बहुत ही प्योर सोल थी बचपन से, बाद में थोड़े लेयर्स जमा हो गए थे जैसे हम सबको होते हैं, ठीक है, एंड क्योंकि हम डिवाइन जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो जाहिर सी बात है प्योर सोल ही होते हैं ज़्यादातर, लेकिन लेयर्स इतना जमा हो जाते हैं हमारे ऊपर कि हम लालच, घृणा, दुविधा, परेशानी, इनसिक्योरिटी, डर, है ना, इन सारे एनर्जीज के साथ ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो उन दिनों मेरे साथ भी एग्जैक्टली यही था, माइंड में एकदम भर भर के ब्लॉकेज था, कुछ समझ में नहीं आता था, बस सब जैसे दौड़ रहे हैं हमें लगता था वही सही है, शादी वादी कर लो, अच्छे रिच फैमिली में बस जाओ, बड़े बड़े गहने ज्वेलरी पहनते रहो, दिखावा करो, पार्टीज करो, है ना, एक से एक साड़ियाँ पहनो, एक से एक ड्रेस वगैरह लेके आओ, शॉपिंग करते जाओ, अच्छे अच्छे आईफोन लेके आओ, मतलब अच्छे अच्छे मोबाइल्स लो और फिर दूसरों को दिखाओ कि मैंने इतने का लिया है, इतने का लिया है, यही लाइफ है, ठीक है, और बस गॉसिप करो, जिसका फ़ोन है उससे बात करते रहो, चाहे वो कुछ भी बोल रहे हो उसका दुखड़ा सुनो, खुद का दुखड़ा बताओ, ठीक है, सजेशन भी दे दो, मतलब वेस्ट ऑफ टाइम, 12 घंटे भी हमें टाइम मिलता है तो हम उसमें क्या करते थे,
कुछ 7-8 घंटे बस वेस्ट ही कर देते थे, वेस्ट ऑफ टाइम। फिर जब धीरे धीरे लगा जो अपना सपना है, जो अपना ड्रीम है, ऐसा नहीं होता है, करना पड़ेगा कुछ, सब कुछ सही नहीं चल रहा है, फिर धीरे धीरे भ्रम टूटा। और भ्रम टूटने के बाद समझ में आया कि नहीं, दिस इज नॉट एग्जैक्ट लाइफ। दूसरों के ऊपर डिपेंड होने का सोच भी लेना एक आत्मा के लिए क्या होता है, शर्म की बात है। हम एक पवित्र आत्मा है, पावरफुल सोल है, और हम सोच रहे हैं बचपन से बहुत मेहनत की है, अपने डीएम को भी बहुत हेल्प की है, बहुत सारे लोगों को एक से एक जगह पर पहुंचाने में मदद किए है, एजुकेशन या उनके लाइफस्टाइल में या जो भी कर सकते थे किए हैं। एंड आज के डेट में बोल रहे हम थक गए, हम हार गए, किसी से शादी करके सेटल हो जाएंगे और बस लाइफ ऐसे ही हवाओं में उड़ा देंगे। ये भ्रम तो धीरे धीरे टूटने लगा। एंड जैसे ही टूटने लगा अंदर से, फिर मैं डिवाइन से कनेक्ट हुई। जैसे कि आप सब जानते हो, मैंने पहले भी बताया था, माँ ने मुझे फूल दिया, शिवरात्रि के रात थी। एंड उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि मैं जाती हूँ गांव में, एक टेंपल बनाना है, पापा से कमिटमेंट किया था, तो वो प्रॉमिस आज मैं निभाती हूँ। ये करके मैं गई। एंड उसके बाद फिर मुझे वो कमिटमेंट पूरा किया मैंने, मंदिर स्टार्ट किया, काम स्टार्ट किया। फिर धीरे 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 क्लियरिटी आने लगी और सिस्टर शिवानी को सुनती गई, और फिर धीरे धीरे मेडिटेशन करने लगी, ध्यान करने लगी। अच्छा लगता था, सोल को बहुत सुकून मिलती थी, बहुत मतलब कुछ एक सोल की फूड अगर आप देते हो तो एक शांति अंदर से महसूस होती थी। तो वो करते करते फिर बाद में ट्विन फ्लेम जर्नी मिला, पता चला, फिर बहुत परेशान हो गई। फिर जितने भी दुख तकलीफ दर्द थे जो हम एक्चुअली ऊपर के एक पर्दा डाल के भुला चुके थे, उन सबको भी हमें लग रहा था कि चलो यही लाइफ है, सरफेस पे आया, एक एक करके रिमूव हुआ, रिजॉल्व हुआ, रिमूव हुआ बॉडी से, बहुत पेन, हर्ट पेन, ये सब देखा। उसके बाद धीरे धीरे जर्नी को समझ पाए, डिवाइन से कनेक्शन बनाए। एंड उसके बाद आज की जो सिचुएशन है, परमानंद अवस्था, मतलब अपने सोल से कनेक्टेड हो, अपने डिवाइन पार्टनर से कनेक्टेड हो, इनसाइट डिवाइन से कनेक्टेड हो, सखा कृष्ण, सखी राधे से, माँ शक्ति और पिता शिव को महसूस करती हूँ अपने अंदर। सारे लोगों से अगर कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, उसको प्यार से न्यूट्रलाइजेशन करने के क्षमता आ चुकी है। जो बहुत ही बुरे हो चुके हैं, जिनके आँखों में लालच के बहुत ही गंदा पट्टी है, जिस इंसानों के मतलब फितरत इतनी घटिया है कि वो सुधर ही नहीं सकते, डिवाइन उनको मुझसे प्यार से अलग कर चुके हैं, तो हमें उनके एनर्जी, उनके वाइब्रेशन, उनके कोई भी चीज़ फील होते ही नहीं है। बड़ी शांत हूँ, कोई भी काम सोचती हूँ, लाइक मुझे सब्जी लेने जाना है, धूप ज़्यादा है, मैं क्या करूँ, तो सब्जी वाले नीचे आके बुला रहे, दीदी सब्जी ले लो। तो मतलब डिवाइन मेरे लिए लाइफ इतनी आसान बना दिया है। ठीक है, जो भी काम मन में सोच रही हूँ वो बन रहा है, यानी मैं को क्रिएटर बन गई हूँ, यानी आत्मा परमात्मा से मिल चुके हैं, परमात्मा बन चुके हैं। ये होती है स्टेट ऑफ माइंड जब आप स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हो। आज कलयुग है, कलयुग का मूल मंत्र हम सब जानते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों बताइए? क्योंकि कली के कोप से बचने के लिए सखा कृष्ण के शरण में रहो, जितना उनका नाम जपोगे, जितना उनसे भक्ति करोगे, जितना उनको प्रेम से पुकारोगे, उतना ही आप प्रेम में रहोगे, शांत रहोगे, खुश रहोगे, कलयुग के सारे कुप्रताप से आप बच जाओगे। इसीलिए, और बहुत आसान है भगवान को पाना,
इस कलयुग में। इसलिए हम ना हिमालय गए, ना कहीं दूर गए, ना बड़े साधना किए, हम घर में बैठे जॉब किए, पूजा किए, आरती किए, ठीक है, सखा कृष्ण से बात किए, अपने दिल के सारे बातें उनको बताते रहे, कभी अश्रु बहा तो कभी हंसते रहे, सखा सखी में मग्न रहे। और बस 2.5-3 साल की बात है, इतने परिवर्तन आए अपने जीवन में। तो ये सारे परिवर्तन आप सब में आ सकते हैं, सिर्फ विश्वास रखना है, सत्य को समझना है, हमारे असली स्वरूप को जानना है। हम शरीर तो है ही नहीं, हमारे शरीर के खत्म होने के बाद भी हम रहेंगे, तो वो किस रूप में रहेंगे? देवता रूप में रहेंगे, एंजल रूप में रहेंगे, या भूत पिशाच के योनि में चले जाएंगे? तो विवेचना अभी से करना है, अच्छे से जीने के लिए अपने सोल को, अपने आप को पावरफुल बनाना है। हम पावरफुल थे, हम अपने पावर को डिस्ट्रॉय किए अपने हाथों से, क्यों? क्योंकि दूसरों पे डिपेंड करते गए, अपने शक्तियों को भुला दिए, दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखते गए, अपने सेल्फ लव को भुला दिए, ठीक है। इस तरीके से लालच, घृणा, मोह, इन सारे एनर्जीज के कारण हम खुद से दूर हुए थे, परमात्मा से दूर हुए थे, अपने आप से दूर हुए थे। सेल्फ लव करने इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, कोई भी किसी का नहीं है। आज जो तुम्हारा है कल परिवर्तन हो जाएंगे, यानी शरीर के साथ साथ सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तो इस सत्य को जब समझ जाते हो तो अपने असली स्वरूप को पहचान लो। जीव से ही जीवित जगत, माया खेलत खेल, ब्रह्म रूप पहचान लो, जीव कटे जगत के जेल। तो इस जेल से मुक्ति पाना है, अपने आप को आनंदित रखना है। हमारे असली स्वरूप का नेचर है फ्रीडम, मोह में माया में बांधना नहीं। तो इसीलिए प्रेम बन जाए, प्रेम की धारा बन के बहते रहना है, परमात्मा से मिलके परमात्मा बन जाना है। आत्मा इस विशाल समुद्र के एक बूंद है, जब समुद्र में मिल जाते हैं, यानी कृष्ण प्रेम में मग्न हो जाते हैं, तो वो परमात्मा बन जाते हैं। मीरा श्री कृष्ण से मिलने के बाद परमात्मा बन गए, और हम भी परमात्मा बन जाते हैं जब सखा कृष्ण से मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं प्रेम भाव से। तो यही सत्य है, और इसीलिए उसके बाद और कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई दर्द, कोई दुविधा, कोई परेशानी, कुछ नहीं आपको छू सकते हैं। आप एकदम आज़ाद हो जाओगे और सत्य में जो चाहोगे वही पाओगे। यूनिवर्स जैसे होते हैं ना, आके बोलेंगे हुकुम मेरे आका, चिराग लेके आप घसोगे और वो जीन आके आपको बोलेंगे क्या चाहिए। एंड इट्स पॉसिबल, जस्ट होते हैं, वी कैन बी अ को क्रिएटर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना है, चीज़ों को जानना है, ऐसे ही नहीं उड़ जाएंगे, समय लगता है, पर बहुत धैर्य रख के समझ जाएंगे तो हम कंट्रोल कर सकते हैं सब कुछ। और हम एक पवित्र आत्मा बन जाते हैं, प्योर सोल बन जाते हैं, तभी तो परमात्मा से मिल सकते हैं, है ना, क्योंकि परमात्मा तो प्रेम के सागर है। तो इसीलिए दोस्तों, जब अपने आप को पहचानने के इस जर्नी पर आओ, ऐसे वीडियोस आपको मिलते हैं तो सोचो आपको कॉलिंग आ चुके हैं, एंड आपको सुनना है, जागना है और परम धाम में जाने की तैयारी करनी है। तो इसीलिए सबको बहुत अच्छे से अपने आप को प्योरिटी में लाना है, प्योर सोल बनना है, एंड राधे राधे कहना है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।